हेलो। ओके सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया सभी। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके तो बच्चों देखिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था सर, हम लोगों ने चैप्टर वन को स्टार्ट किया था आपके मॉड्यूल से। ठीक है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का मीनिंग एंड जो एरियाज हैं जो हमको पढ़ने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में, या इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ चार टर्म्स का हमने बात किया था, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन का। ठीक है, एंड मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो आज की क्लास से मैंने कहा था हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। अब आप कहोगे कि सर डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी कर लिया, वापस से डेफिनेशन करने का सर? तो वापस से डेफिनेशन मैंने कहा कि यहाँ पे हम वो डेफिनेशन करेंगे जो हमको पहले के टाइम से दिया हुआ है। मतलब मैंने आपको बताया था एल्फ्रेड मार एडम स्मिथ, एडम स्मिथ वॉज द पर्सन जिन्होंने सबसे पहला पहला डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का। तो उनकी डेफिनेशन में क्या था, फिर उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दिया उस डेफिनेशन में क्या था, उसके बाद रॉबिन्स ने डेफिनेशन दिया उसमें क्या था, फिर सेम पॉल सैमुअलसन ने डेफिनेशन दिया उसमें क्या था। तो इतना जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इवोल्यूशन आया है डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो वो सब हम आज चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये रहा डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है बात? स्टार्ट करें? हाँ जी सर, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, आपको डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। यहाँ पे बोला है कि जो डेफिनेशंस है इकोनॉमिक्स का, उसको हमने यहाँ पे चार कैटेगरीज में डिफाइन किया है। बेसिकली चार कैटेगरीज में क्यों डिफाइन किया है, रीजन बीइंग के चार अलग अलग लोगों ने डेफिनेशंस दिया था, इसलिए इनको चार कैटेगरी में हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, देखिए द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। ठीक है, वो फोर कैटेगरीज कौन कौन सा था? तो पहला है आपका वेल्थ डेफिनेशन जो कि एडम स्मिथ ने दिया था, दूसरा है आपका वेलफेयर डेफिनेशन जो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, तीसरा है आपका स्केयर्सिटी डेफिनेशन जो रॉबिन्स ने दिया था, एंड लास्ट वन जो है जो कि ग्रोथ डेफिनेशन है जो कि सैम पॉल सैमुअलसन ने दिया था। ठीक है, मैं उनको सैम अपने छोटे भाई की तरह ही है, तो पॉल सैमुअलसन ने दिया था। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेल्थ डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे पहले, जो कि एडम स्मिथ ने कहा था। पहले मैं आपको बता देता हूँ इस डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा था, फिर हम उसको रीड करके देखेंगे। देखो कैसा है, एडम स्मिथ का जो सबसे पहला पहला डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का, विच इज वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, उसमें इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है या एक सोशल साइंस है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, जिसके थ्रू हम हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल, आप मैं, हम इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, हमारा जो पर्सनल बेनिफिट है ना, हम उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पर्सनल बेनिफिट मतलब हमारा पर्सनल बेनिफिट क्या है, वेल्थ बढ़ाना, पैसा कमाना। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स एक जरिया है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकता है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्या कर सकता है, अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये था उनका वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो पर्सनल इंटरेस्ट को इन्होंने प्रेफरेंस दिया है ओवर द सोशल इंटरेस्ट। सोसाइटी को, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करेंगे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या होगा,
वो ऐसा कुछ बात नहीं था। यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट को क्या किया गया है, प्रेफरेंस दिया गया है इन द डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड बच्चों। आई थिंक थोड़ा वॉइस का इशू हो रहा है, एक मिनट ना। ओके, सो आई गेस अब कोई मतलब वॉइस इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, करते हैं कंटिन्यू अपन लोग। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे एडम स्मिथ के वेल्थ डेफिनेशन का। तो मैंने बताया एडम स्मिथ का मानना ये था कि भाई इकोनॉमिक्स एक जरिया जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपनी वेल्थ को क्या कर सकता है, मैक्सिमाइज कर सकता है। तो एक बार चलिए गो थ्रू करके देखते हैं इनकी डेफिनेशन को। ऑलमोस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फॉलोड वेल्थ डेफिनेशन, इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद जेबी से एंड एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वॉज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। द नेम ऑफ बुक रिटन बाय एडम स्मिथ इज एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनका एक बुक था जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक जरिया बताया था, किसका, वेल्थ क्रिएशन का। ठीक है, एडम स्मिथ डी लिंक्ड द इकोनॉमिक्स फ्रॉम पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड ही एक्सप्लेन इट इन अ साइंटिफिक मैनर। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू जेबी से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द वेल्थ। तो ये दो जनते जिन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का। हम पूछते किसको है, हम एडम स्मिथ को ही पूछते, हम जेबी से को नहीं पूछते। जेबी से ने जो भी कहा वो कहा, जाने दो। मेन किसका, एडम स्मिथ का। अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ जो कि उन्होंने अपनी बुक में दिया, बुक का नाम ये रहा एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। तो उनके उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया कि भाई किस तरह से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ मैन इज एन इकोनॉमिक मैन। उनके अकॉर्डिंग मानना था आदमी जो है ना वो एक तरीके से पैसा कमाने की मशीन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। और उनका मानना था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ वेल्थ को ही स्टडी करता है, इसके अलावा कोई दूसरे एस्पेक्ट पे इकोनॉमिक्स डील ही नहीं करता है। बहुत गलत मानना था उनका। दिस डेफिनेशन डील्स विद द कॉजेस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। प्लस उस डेफिनेशन में उन्होंने बताया था कि भाई वेल्थ का क्रिएशन कैसे होता है, व्हाट आर द कॉजेस। ठीक है, एंड इट ओनली कंसिडर्स मटीरियल वेल्थ। सिर्फ मटीरियल मतलब समझ दो, जिसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, सिर्फ उसी वेल्थ को वो लोग कंसिडर करते थे। ठीक है सर, इमटीरियल वेल्थ क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं कि आपका नेचर अच्छा है, तो नेचर जो है वो एक इमटीरियल थिंग है तो वो भी वेल्थ का पार्ट, पर वो एक इमटीरियल थिंग है। ठीक है, तो इनकी वेल्थ के डेफिनेशन में सिर्फ मटीरियल वेल्थ को उन्होंने कंसिडर किया था। तो ये डेफिनेशन था एडम स्मिथ का। अब आप देखो आज के डेफिनेशन से अगर हम कंपेयर करें, तो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स तो क्या है, एक जरिया है जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, है ना। बट एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग देखोगे तो बहुत अलग ही जा रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मीनिंग, है ना। तो ये पुराने जमाने का डेफिनेशन था जो एडम स्मिथ ने दिया था, जिनका वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन था। उनका मानना था कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसके थ्रू हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ कंज्यूम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और इंसान जो, आदमी जो है वो एक पैसा कमाने की मशीन है, ही इट इज एन इकोनॉमिक मैन। एंड 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 इकोनॉमिक्स में हम रीजंस कॉजेज ढूंढते हैं ऑफ वेल्थ क्रिएशन, ऐसा। ठीक है, नाउ वेरियस क्रिटिसिज्म वर फेस्ड बाय दिस डेफिनेशन। वो तो होना ही था, इतना तुमने सेल्फ ओरिएंटेड वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन बनाया तो क्रिटिसिज्म तो होना ही पड़ेगा ना। तो देखिए क्रिटिसिज्म क्या फेस करना पड़ा, दिस डेफिनेशन वॉज क्रिटिसाइज बाय सो मैनी फिलोसफर्स। दे आर किन किन ने क्रिटिसाइज किया था, तो कुछ के नाम दे रखे हैं, कार्लिल, रस्किन,
वेलरस एंड डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस, ओके एंड अदर्स। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स इकोनॉमिक्स इज अ डेसिमल साइंस, गॉस्पेल ऑफ मैमन, ब्रेड एंड बटर साइंस, अनकम्प्लीटेड साइंस। ये तो फालतू है, बात जाने दो, ठीक है। मतलब ये इन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म निकाले। वेल्थ इज ऑफ नो यूज अनलेस इट सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। उनका मानना ऐसा था कि वेल्थ किसी काम का नहीं है जब तक वो ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई ना करे। और एडम स्मिथ की डेफिनेशन में ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने की बात तो दूर दूर तक नहीं कही थी। तो ये एक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था एडम स्मिथ की डेफिनेशन को, जिसके चलते बाद में एक नया डेफिनेशन देखने को मिला हमको इकोनॉमिक्स का, जो कि दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं वेलफेयर डेफिनेशन पे, विच वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। इनका मानना था कि इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ क्रिएशन का तरीका नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सोसाइटी का वेलफेयर कर सकते हो, ठीक है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में पार्ट ले सकते हो। चलिए देखते हैं इनका डेफिनेशन, गो थ्रू करते हैं बच्चों। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय सर एल्फ्रेड मार्शल, मैंने आपको बताया। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ एडम स्मिथ, ही रोट अ फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन 1870। एंड इसी बुक में इन्होंने अपनी जो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का, वो इन्होंने दिया था, ठीक है। नाउ इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन में क्या था, तो इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन में ऐसा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, बोले इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटीरियल रिक्वायर्स ऑफ वेलबींग। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ, ऑन अदर एंड मोर इम्पॉर्टेंट साइड इज द स्टडी ऑफ पार्ट ऑफ मैन, वेलफेयर ऑफ द मैन। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इनके अकॉर्डिंग क्या मानना था कि देखो, हम अगर वेल्थ एक्यूमुलेट करने जाते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट करने जाते हैं, तो वो वेल्थ का हम क्या कर सकते हैं, वो वेल्थ को हम यूज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज वेल। ये मानना था एज पर दिस डेफिनेशन। मेन जो पॉइंट्स इस डेफिनेशन के अपन गो थ्रू कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स निकलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, टू कैटेगरीज, मटेरियल गुड्स, इमटेरियल गुड्स। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक इज अ नॉर्मल साइंस, द टॉप प्रायोरिटी इज गिवन टू मैन वेलफेयर ऑफ मैन, सेकेंडरी प्रायोरिटी इज गिवन टू वेल्थ। मार्शल इनहेंस्ड द स्टेटस ऑफ मैन फ्रॉम इकोनॉमिक मैन टू सोशल मैन। इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू ओनली सम मटीरियल गुड्स विच प्रमोट द ह्यूमन वेलफेयर। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला प्रायोरिटी किसको दिया गया इन द डेफिनेशन ऑफ एल्फ्रेड मार्शल, टू द वेलफेयर आस्पेक्ट, ठीक है, टू द वेलफेयर आस्पेक्ट। कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हैं। भाई पैसा, वेल्थ एक्यूमुलेशन तो सेकेंडरी काम है, वेल्थ एक्यूमुलेशन तो सेकेंडरी काम है, मेन तो क्या रहेगा, मेन तो है कि भाई हम हमारे वेलफेयर, हम खुद को मतलब सेटिस्फाई करके हम खुद को वेलफेयर पहुंचा सकें, ठीक है। तो ये मेन फोकस था एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन का। एंड यहाँ पे इन्होंने गुड्स को दो तरह के गुड्स में डिवाइड किया, एक तो मटेरियल गुड्स और एक इमटेरियल गुड्स, ठीक है, क्योंकि जब हम वेलफेयर का बात करते हैं तो वेलफेयर में मटेरियल इमटेरियल दोनों ही चीजें एक तरीके से आती हैं। नाउ अब इसके क्रिटिसिज्म का बात करते हैं, क्योंकि क्या है, इस डेफिनेशन को भी सर्टेन क्रिटिसिज्म मिला, तभी तो जाके स्केयरसिटी डेफिनेशन बना है इकोनॉमिक्स का, ओके। तो देखिएगा, नहीं अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स वेलफेयर डेफिनेशन इज अनकम्प्लीटेड डेफिनेशन। रॉबिन्स का मानना था कि जो डेफिनेशन है थोड़ी अनकम्प्लीट है, पूरी नहीं दिखती। रॉबिन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इकोनॉमिक्स मस्ट बी न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। रॉबिन्स के अकॉर्डिंग मतलब रॉबिन्स ने ही इनकी डेफिनेशन का बुराई करा कुल मिला के, पता है क्यों, क्योंकि जो स्केयरसिटी डेफिनेशन था ना इकोनॉमिक्स का, इट वॉज गिवन बाय रॉबिन्स। इसलिए रॉबिन्स इकोनॉमिस्ट मस्ट बी एज अ डिस्क्राइबर नॉट अ डिस्क्राइबर। तो ये कुछ इसका क्रिटिसिज्म था।
चलिए छोड़िए उसको, क्रिटिसिज्म अपने काम का नहीं है, अपन तो डेफिनेशन चेक कर रहे हैं। तो दो डेफिनेशन अपना चेक हो चुका है, आते हैं तीसरे पे। ठीक है, अब तीसरा डेफिनेशन था वो किसने दिया सर? रॉबिन्स ने दिया, जो कि एक स्केयरसिटी डेफिनेशन है। यहाँ पे स्केयरसिटी का बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की स्केयरसिटी का बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय लियोनल रॉबिन्स। ही रोट अ फेमस बुक एंड एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसी बुक में उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया। ठीक है, डेफिनेशन क्या दिया इन्होंने? ये सर डेफिनेशन ये दिया इन लोगों ने कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। अपना भी डेफिनेशन ये था इकोनॉमिक्स का। हाँ सर, क्योंकि अभी हम जो डेफिनेशन यूज में लेते हैं कौन सा लेते हैं? हम स्केयरसिटी डेफिनेशन ही यूज में लेते हैं। ठीक है, ऐसा तो विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमने यही तो पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स क्या? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, के हाउ ह्यूमन बींग्स मैनेज देयर स्केयर्स रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू गेट सेटिस्फैक्शन। है ना, हम भी जब डेफिनेशन पढ़ते हैं हम वहाँ पे भी एंड्स और ये इनके इस जो मीन्स हैं उनको सेटिस्फाई करने की उनकी बात करते हैं। तो अभी हम जो पढ़ते हैं, अभी इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक तरीके से वो स्केयरसिटी डेफिनेशन ही है, विच इज गिवन बाय लियोनल रॉबिन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब नाउ मेन पॉइंट्स ऑफ दिस डेफिनेशन, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। यस सर, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी हमने पढ़ा था है ना, एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो, जब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं ना बच्चों, और आपके पास उन रिसोर्सेज के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट करना पड़ता है। आपको सिर्फ वही यूजेस पे अपना रिसोर्सेस लगाना चाहिए जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। यू हैव टू फेस अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि आखिर इतने सारों में से कौन सा सिलेक्शन करें। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी फेस करने को मिलता है। तो ये मेन पॉइंट्स रहते हैं हमारी स्केयरसिटी ऑफ डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के। मेरिट्स की बात कर लें, इस इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के कुछ मेरिट्स थे। क्या मेरिट्स थे सर? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज एन एनालिटिकल साइंस, इकोनॉमिक टर्न इन टू यूनिवर्सल साइंस, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इट इज अ पॉजिटिव साइंस एंड न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। क्रिटिसिज्म में क्या फेस करने को मिला? इट इज नॉट अ यूनिवर्सल साइंस, नॉट एप्लीकेबल टू डेवलप्ड कंट्रीज, नॉट एप्लीकेबल टू डिक्टेटरशिप कंट्रीज एज वेल, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इट इज एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, इट इज इट ऑल्सो नेग्लेक्टेड द डायनेमिक कॉन्सेप्ट। तो भाई ऐसा है, क्रिटिसिज्म में ये है कि भाई अभी के टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो हमको इकोनॉमिक्स का एक ऐसा डेफिनेशन चाहिए जहाँ पे हम रिसोर्सेज का मैनेजमेंट तो करें, साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी सोचें। समझ लो, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन होना चाहिए, जो कि ये डेफिनेशन में ग्रोथ के बारे में कहीं बात ही नहीं था, सिर्फ रिसोर्सेज एंड और वो एंड और उनके मीन्स की बात कर रहा है कि किस तरह से हम हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। कहीं भी इसमें ऐसा नहीं बोल रहा कि किस तरह से हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव कर पाए। तो ये जो डेफिनेशन था ये सर आजकल की इकोनॉमीज के अकॉर्डिंग बात करें तो ये उनके लिए क्या है? अप टू द मार्क नहीं है, बट अभी हम जो डेफिनेशन यूज में लेते हैं वो ये लेते हैं यूज में। ठीक है, तो सर ये डेफिनेशन का भी अगर कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि सर इसका मतलब ये निकलता है सर कि इसके बाद भी एक नया डेफिनेशन और है। हाँ है, विच इज ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन एंड इट इज गिवन बाय पॉल सैमुएलसन। ओके, चलिए वो बात करते हैं उनका, उनकी उस डेफिनेशन का बात करते हैं अपन लोग। ये रहा ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय कीन्स एंड पॉल सैमुएलसन इन द बुक रिटन बाय सैमुएलसन वाज इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। इन दिस बुक ही गेव अ न्यू डेफिनेशन टू इकोनॉमिक्स। क्या डेफिनेशन था इनका? डेफिनेशन था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय द स्केयर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस दैट वुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन देम फॉर कंजम्पशन नाउ और इन फ्यूचर अमंग द वेरियस पर्सन एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी। इट एनालिसिस द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इम्प्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स एलोकेशन। देखो,
इनका मानना ये था इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि भाई विद एंड विदाउट मनी, ठीक है, हम हमारे जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से इम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, और उनसे हम कैसे कैसे कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और हमारे फ्यूचर के जो ग्रोथ आस्पेक्ट हैं उसको हम कैसे कंसर्न करते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स का बात करूँ इस डेफिनेशन का, तो मेन पॉइंट से निकल के आता है इसमें, एक सेकेंड, एक सेकंड बच्चों, आइए मेन पॉइंट्स का बात करते हैं इसका। लाइक द स्केयर्सिटी डेफिनेशन, इट ऑल्सो एक्सेप्ट द अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। उसने इस बात को यू नो अग्री करा कि हाँ रॉबिन्स, तुमने जो कहा था ना कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनकी अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करना पड़ता है, वो सब सही बोला तुमने, कोई गलती नहीं उसमें। अकॉर्डिंग टू सैमुएलसन उन्होंने क्या करा, एक और आस्पेक्ट निकाल के लाए, क्या कि द प्रॉब्लम ऑफ स्केयर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज not only confined to present but it may, है ना, but also to the future as well. It means he introduced the concepts of time element. मतलब क्या था रॉबिन्स ने, तो अभी क्या बोला कि अभी हमको scarcity face करने को मिल रहा है अभी हम वो resources को कैसे use करें, इस पर रॉबिन्स ने future aspect को तो consider ही नहीं करा कि भाई आज के बाद फ्यूचर में भी तो रिसोर्सेस स्केयर्स ही रहेगा, फ्यूचर में भी तो हमारी नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड रहेंगी, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम हमारी नीड्स एंड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, उसके लिए हमने कोई प्रोविजन बनाया क्या, समझ रहे हो। तो इस चीज पे फोकस किया था किसने, पॉल सैमुएलसन की डेफिनेशन ने। ही ऑल्सो अडॉप्टेड अ डायनामिक अप्रोच to the study of economics, considering economic growth as an integral part of economics. तो इन्होंने economic growth को भी क्या करा, you know, focus किया कि economy का growth करना बहुत जरूरी, आप सिर्फ resources का management का बात करो, वहाँ कहीं growth का तो बात हो ही नहीं रहा ना, ऐसा। This definition includes Marshall's welfare definition and Robbins scarcity. तो कुल मिला के देखा जाए तो Paul Samuelson का जो definition था उसमें Marshall और Robbins दोनों की डेफिनेशंस का हमको एक इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से क्या ऐड करा, इन्होंने अपनी तरफ से ये ऐड किया कि भाई फ्यूचर एस्पेक्ट में भी तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज का रिसोर्सेज को हमको यूज करना पड़ेगा फॉर सेटिस्फाइंग आवर नीड्स एंड वांट्स। तो ग्रोथ का क्या है, व्हाट अबाउट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ये चीज था। तो ये कुछ बच्चों हमारा चार अलग अलग डेफिनेशंस था इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जो तब से अब तक हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें पहला डेफिनेशन एडम स्मिथ का वेल्थ वाला, फिर वेलफेयर, देन स्केयर्सिटी एंड देन ग्रोथ। वो बात अलग है, अभी हम जो अभी प्रेजेंट में यूज में लेते हैं इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन, वो अभी हमारा स्केयर्सिटी डेफिनेशन है विच इज गिवन बाय लियोनल रॉबिन्स। अभी तक वो पॉल सैमुएलसन वाले को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नाउ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट पे आते हैं अपन लोग, जो कि हमारा है नेक्स्ट स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिधर हम इकोनॉमिक एनालिसिस को हम यूज कर सकते हैं, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए
पढ़ते हैं इसको हम। ट्रेडिशनल अप्रोच का बात करें पहले यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पहले आपको बताया गया, मतलब इकोनॉमिक्स के दो आपको अप्रोचेस दिए हैं, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच, कि पहले कैसे अपन इकोनॉमिक्स को लेते थे, अब अपन इकोनॉमिक्स को कैसे लेते हैं। तो एक बार दोनों का एक कंपैरिजन है पढ़ के देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। इट स्टडीज मैन बिहेवियर एज अ रेशनल सोशल बींग। इट कंसिडर्ड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर। अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम वॉज कंसिडर टू बी एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेल्थ वॉज, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वेल्थ और वेलफेयर ओरिएंटेड जो डेफिनेशन था उसके बेसिस पे ट्रेडिशनल अप्रोच चलता है इकोनॉमिक्स का, जो हमने एडम स्मिथ और किनका देखा था, एल्फ्रेड मार्शल का देखा था। मॉडर्न अप्रोच की बात करूँ तो एन इंडिविजुअल आइदर एज अ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कैन ऑप्टिमाइज हिज गोल इज एन इकोनॉमिक डिसीजन, कि किस तरह से हम हमारे रिसोर्स को यूज करें ताकि हम हमारे जो गोल हैं उसको हम अचीव कर पाएं। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज इन एनालाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सजेस्टिंग पॉलिसी मेजर्स। सोशल प्रॉब्लम्स कैन, मतलब यहाँ पे समझो मॉडर्न अप्रोच में हम रॉबिन्स और पॉल सैमुएलसन दोनों का जो डेफिनेशन है उसका हम यहाँ पे इम्पैक्ट देख रहे हैं, कि किस तरह से हम हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। सोशल प्रॉब्लम्स कैन दस बी एक्सप्लेन बाय एब्स्ट्रैक्ट थियोरेटिकल टूल्स और बाय एम्पिरिकल मेथड्स, काम का नहीं है। तो इन क्लासिकल डिस्कशन इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। ना व्हाट इज पॉजिटिव साइंस, ये अभी अपन बात करेंगे। अभी अपन दो चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे, एक पढ़ेंगे अपन पॉजिटिव साइंस क्या होता है, एक अपन पढ़ेंगे नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि क्या बात करना चाह रहा है। इट्स सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड हाउ इट टेंड्स टू बी सॉल्व। इन मॉडर्न टाइम इट इज बोथ अ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिस्ट ऑफ टुडे डील इकोनॉमिक इशूज नॉट मेरली एज दे आर बट एज दे शुड बी। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स आर मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। तो क्या बताना, बस यहाँ पे सर वही बोल रहे हैं कि मॉडर्न अप्रोच में हम यहाँ पे वेल्थ वेलफेयर सिर्फ इन्हीं की बात नहीं करते, हम यहाँ पे इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं, उनका सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हम हमारा रिसोर्स का मैनेजमेंट करके वो सोल्यूशन का हम वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। यहाँ पे बोला क्या, इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों तरह का साइंस है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज पॉजिटिव साइंस एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस, तो मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। और ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे हम बेसिकली ये देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच हमारा मेन मोटिव ये रहता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम पहले सबसे पहले बात करेंगे किसका, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। नाउ पॉजिटिव साइंस क्या होता है सर, पॉजिटिव साइंस, तो देखिए बच्चों,
देखिएगा, तो पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है बेसिकली समझना। इकोनॉमिक्स में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक हम देखते हैं पॉजिटिव साइंस, एक हम देखते हैं नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, दो इसमें हमारे कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक चलता है इसमें पॉजिटिव साइंस, आई थिंक ये क्या हुआ, साइड साइड वाला विजिबल नहीं हो रहा तुम लोग को, पॉजिटिव साइंस। ठीक है, एक तो चलता है पॉजिटिव साइंस, एक चलता है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या होता है समझना, जब हम कुछ ऐसा चीज़ों का बात करें ठीक है, जो कि कुछ फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड ऑन है, हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स की बात करें विच आर बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो वो स्टेटमेंट्स, वो जो चीज़ें हैं, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जाते हैं आपके पॉजिटिव साइंस में। जब हम कोई स्टेटमेंट का बात करें एंड दैट स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड सम फिगर्स, तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा जाता है किसमें, पॉजिटिव साइंस में। एंड यहाँ पे हमने लिखा इट डील्स विथ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, फ्यूचर में कैसा होगा, इस तरह का जो बातें होता है, इट ऑल्सो कम्स अंडर पॉजिटिव साइंस। एंड यहाँ पे पॉजिटिव साइंस मेनली डील्स विथ व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, पहले कैसा था, अभी कैसा है एंड आगे जाके कैसा होगा। जब हम इस तरह का कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, तो वो हम कहते हैं पॉजिटिव साइंस। तो ऐसा बोला गया मॉडर्न अप्रोच में कि इकोनॉमिक्स एक तरह का पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि यहाँ भी आप वही बात करते हो कि अभी तक आप कैसे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते आए, आगे कैसे, अब कैसे कर रहे हो और आगे कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ भी हम कोई बात करते हैं तो इट इज वो बेस्ड होती है फैक्ट्स और फिगर्स पे। एंड वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो हम स्टेटमेंट देते हैं, आप उन स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, कैन बी दे दोज स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाइड फॉर ट्रूथ। ठीक है, यानी जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया जाता है, आप उस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, ट्रुथ के लिए वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने कहा विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द करंट इंडियन टीम, तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी सर, सही बोल रहा हूँ। आप उसका स्टैट्स उठा के देख लो, है ना, आप उसके वो बैटिंग के रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट विच कैन बी वेरीफाइड फॉर ट्रूथ एंड दैट स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो वो चीज़ किधर आती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आती है। तो ये होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको कॉपी करो फटाफट से। फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव साइंस बताता हूँ आपको वो क्या होता है, जल्दी से इसको कॉपी करो पहले। ओके, किया आप लोगों ने कॉपी? ठीक है, चलिए बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस का। इसको नॉर्मेटिव साइंस नाउ,
देखिएगा, अब बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस का, तो व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस? जनरली इट इंक्लूड्स पर्सनल ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे हम कोई फैक्ट्स या फिगर्स के बेसिस पे कुछ बात नहीं करते, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे नहीं बल्कि पर्सनल ओपिनियन से आ रहे हैं, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो पर्सनल ओपिनियन प्रेजेंट कर रहे हैं किसी का विदाउट एनी बेस, ठीक है, सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन है किसी का, तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किधर आते हैं? नॉर्मेटिव साइंस में आते हैं। एंड स्टेटमेंट्स इन नॉर्मेटिव साइंस कैन नॉट बी वेरीफाइड फॉर ट्रूथ। प्लस आप इन स्टेटमेंट्स को क्या नहीं कर सकते? ट्रूथ के लिए वेरीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर वेरीफाई? बिकॉज दीस स्टेटमेंट नॉट बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन होता है, तो हैंस दे कैन नॉट बी वेरीफाइड, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलते हैं रिलेटेड व्हाट ऑट टू बी, मतलब व्हाट ऑट टू बी मतलब कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। तो जब इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है, बट पॉजिटिव साइंस में तो कैसा था? व्हाट वॉज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी, है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का बात करते हैं। यहाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई बात नहीं हो रहा, कैसा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। तो इस तरह का जब बातें आती है तो अपन को किधर देखने को मिलता है? वो होता है सर नॉर्मेटिव साइंस का, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन होते हैं, ठीक है, एंड दोज स्टेटमेंट्स आर नॉट बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स एंड फिगर, एंड हम उनको वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया मॉडर्न अप्रोच के अंदर कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी और नॉर्मेटिव साइंस भी है। नॉर्मेटिव साइंस कैसे है? क्योंकि हम भी यहाँ पे यही बात करते हैं कि हमको हमारे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए ताकि हम ग्रोथ को अचीव कर पाए, कैसे करना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, है ना, ऐसा। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस दोनों बताई गई है। तो ये आपका नॉर्मेटिव साइंस हो गया, वो आपका पॉजिटिव साइंस हो गया। फटाफट से इसको भी कॉपी कर लो जल्दी से। हेलो, हाँ ओके जी, आप लोगों ने किया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब तो हमको पता चला कि भाई नॉर्मेटिव साइंस पॉजिटिव साइंस के बारे में थोड़ा, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी समझो तुमको लग रहा होगा ये क्या पढ़ रहे हैं, अभी समझो थोड़ा थ्योरी है, तुमको बता रहा है इकोनॉमिक्स के बारे में, कोई बात नहीं, अभी कॉन्सेप्ट आने दो, डिमांड थ्योरी सप्लाई, मज़ा आएगा, फिर मज़ा आएगा, समझ रहे हो। चलिए नाउ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, आई थिंक माइक्रो मैक्रो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स का बात करते हैं, स्मॉल यूनिट्स का बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जब हम लार्ज एलिमेंट्स का बात करते हैं, सम एग्रीगेट्स का बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। तो एक बार फटाफट से इसको रीड करके रख लेते हैं फिर, ठीक है। चलिए, द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो आर इंट्रोड्यूस बाय रैगनर फ्रिश इन इकोनॉमिक्स, ही इज द प्रोफेसर ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन। अकॉर्डिंग टू हिम द इकोनॉमिक्स इज स्टडी इन टू वेज, एक तो माइक्रो लेवल और एक मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल बच्चों, सर जब हम छोटा छोटा इंडिविजुअल यूनिट्स का बात करते हैं, ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जब हम सम एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स का बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, मैक्रो लेवल कहलाता है, ठीक है। आई गेस ये तुमको अच्छे से पता होगा, ठीक है। द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, कि ग्रीक वर्ड से डिराइव है माइक्रोस, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल, means very small or millionth part. It studies about the behavior of individual units. Individual units are a consumer, a producer, a firm or an industry. जब हम एक consumer, एक producer,
कोई प्रोडक्ट कोई इंडिविजुअल फर्म का बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, मार्शल डेवलप द माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरी वेल। अकॉर्डिंग टू मार्शल द माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइड द इकोनॉमिक इंटू स्मॉल यूनिट्स और स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट इज स्टडीड। इट एक्सप्लेन हाउ अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हाउ द प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम आउटपुट एंड हाउ द फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जब हम एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है। तो भाई यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिले, कोई प्रोड्यूसर है तो मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, कोई फर्म है तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकती है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कहाँ आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। ठीक है, एंड मैंने आपको बताया भी था आपके जो फर्स्ट टू यूनिट्स हैं वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है। इधर डेफिनेशन दे रखा हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इसको। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, नाउ अब इधर आपको स्कोप दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक के टूल्स को, स्टडीज को आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो ये बात कर रहा है। सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं फटाफट से एक बार को कि किधर किधर अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट बच्चों। तो भाई थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स ग्रोथ, थ्योरी ऑफ डिमांड, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ जगह हैं जहाँ पे हम इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज कर सकते हैं। सर इसको कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना, नाम पढ़ के रख दो बस अभी। नाउ सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, यूजेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या यूजेस हैं कि सर ये हमको जो इकोनॉमी के जो ऑपरेशंस है, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, उनको समझने में थोड़ी मदद करता है, लोगों के इकोनॉमिक वेलफेयर को समझने में मदद करता है और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है इसका। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया था जब हम सम एग्रीगेट्स का बात करते हैं, बड़ी बड़ी लेवल, बड़े बड़े यूनिट्स का बात करते हैं, वहां पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो देखिए द वर्ड मैक्रो इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज, वेरी बिग। द मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट। मैंने बताया इकोनॉमी एज अ होल, पूरी कंट्री को एक साथ लेके चलते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल, तो इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट, यानी इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल यूनिट, इट डील्स विद एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, ये सब चीजें। डेफिनेशन का बात करूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सच वेरिएबल्स एज अ एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, विद द एक्सटेंट टू दिस रिसोर्स एंड आर एम्प्लॉयड, विद द साइज ऑफ द नेशनल इनकम वगैरह वगैरह। ठीक है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका रहता है थियरी ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड साइकिल, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स ग्रोथ, डिमांड, सप्लाई, कंजम्पशन, वही सेम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वही इसमें भी है, कुछ अलग नहीं है। पर इट एनालिसिस सम मेजर प्रॉब्लम्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ मेजर प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है, जैसे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, महंगाई, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, नेशनल इनकम कितना है, आउटपुट कितना हो रहा है कंट्री में, ग्रोथ का क्या प्रोस्पेक्ट चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है इनकम एंड वेल्थ का, ये सारी चीज़ों को, जो कुछ सीरियस इश्यूज हैं इकोनॉमी के, उनको डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या सिग्निफिकेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई इकोनॉमी कैसे काम करती है वो आपको समझ में आता है, पॉलिसीज आप इसके बेसिस पे बनाते हो, सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे बनाती है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लान्स हम इनके बेसिस पे बनाते हैं और हम जो ट्रेड साइकिल, मतलब जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में, कभी महंगाई बढ़ती है, महंगाई कम होती है, तो उसको हम प्लान करते हैं एज पर द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये यूटिलाइजेशन रहता है, बट हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक यूनिट दिया है, 10 नंबर का हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमको बैंकिंग एंड मनी के बारे में कहा है, हमको नेशनल इनकम, आउटपुट, ये सब के बारे में पढ़ने को कहा ही नहीं है, इसलिए मैंने वो सब आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में हम उतना ही पढ़ेंगे। तो ये दो हमारी ब्रांचेस होती है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो और मैक्रो। अब आगे आ रहा है आपका कि साइंस इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स साइंस है, इकोनॉमिक्स आर्ट्स है, फिर आगे डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, फिर हम आएंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, हमने आज डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स करा, कुछ अप्रोच देखा इकोनॉमिक्स का, नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस का बात करा, माइक्रो और मैक्रो हमने किया, इसके आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच बच्चों।